नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फ्रेंड, कल सुपर स्मैश T20 में ओकलैंड वर्सेस कैंटरबरी का मुकाबला है, तो मैं इसकी एक आपको ड्रीम इलेवन की टीम दूंगा। आप उस टीम से एक अच्छा विन कर सकते हैं, और जो मैं टीम दूंगा आप उसे ड्रीम इलेवन यानी प्लेयर सपोर्ट हॉलो प्ले में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपको मैं टीम दूँ तो मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, और उसके बराबर में है एक बेल बटन, आप उसको भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड्स, जो मैं टीम दे रहा हूं वो एक बैलेंस टीम होगी, क्योंकि कल का मैच में काफ़ी प्लेयर वापसी कर रहे हैं और काफ़ी प्लेयर्स जा रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका के साथ न्यूजीलैंड की ओडी सीरीज होने वाली है, तो मार्टिन गुप्टिल कोलिन मुनरो अवेलेबल नहीं होंगे। तो बात करते हैं विकेट कीपर सिलेक्शन की। तो सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, लैन फिलिप्स और कैम फ्लेचर। अब तो फिलिप्स का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा कैम फ्लेचर के मुकाबले, दोनों प्लेयर का ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन कल लैन फिलिप्स एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बड़े हिटर हैं और कल ओपनिंग पे भी आ सकते हैं, क्योंकि मार्टिन गप्टिल चले गए हैं। मार्टिन गप्टिल ने पिछले महीने 51 बॉल में 71 रन मारे थे, लेकिन वो श्रीलंका के साथ सीरीज होगी तो उसके लिए अपने प्रैक्टिस करने गए हैं, इसलिए लैन फिलिप्स कल ओपनिंग कर सकते हैं। बात आती है कोलिन मुनरो, क्योंकि खेलेंगे नहीं, मार्टिन गप्टिल खेलेंगे नहीं, हेनरी निकोलस भी नहीं खेलेंगे, ये तीनों प्लेयर नहीं खेलेंगे। मार्क चैपमैन जो कि एक कमाल के प्लेयर हैं, काफ़ी तेज़ी से रन मारते हैं, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, ओकलैंड की तरफ से कैप्टनसी करेंगे, तो आप इनको जुड़ लें। जेम्स विंस कल ओकलैंड की वजह से ओपनिंग जोर करेंगे, ये शायद ग्रैन फिलिप्स के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, तो आप इनको जुड़ लें। चैट ब्रोस और स्टीफन मोडकोस, ये दोनों प्लेयर काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आप इनके बिना ना जाएं। पिछले मैच में भी दमदार कैंटरबरी की तरफ से इनिंग खेली थी। बाकी आपके पास ऑप्शन में कुछ खास नहीं मिलेंगे, आप चाहे तो मिच्छे डेविडसन के साथ जा सकते हैं। अब कहते हैं ऑलराउंडर्स के सिलेक्शन की बात। तो ऑलराउंडर सिलेक्शन में टोड एस्टल अभी नहीं खेलेंगे, टोड एस्टल को भी फिर भी लोगों ने ले रखा है, इनके खेलेंगे कल के चांस जबकि ना के बराबर हैं। तो बात करते हैं बाकी रिमेनिंग प्लेयर्स की। मिचेल बेरी भी कल नहीं खेलेंगे, एंड्रू एलिस खेलेंगे, और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं एंड्रू एलिस, कुछ मैचों से लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक इम्पैक्ट ऑलराउंडर की जो आपको मैच जिता सकता है, वह है काइल जेमिसन। बॉलिंग बैटिंग दोनों ही काफ़ी लाजवाब है इनकी, तो आप इनको ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी इनिंग खेल सकते हैं और एक अच्छे स्पिनिंग कर सकते हैं, और कल का कह रहे हैं कि जो मैच होगा वो स्पिनर साइड के लिए होगा, तो आप उनके लिए। एक बड़ी इम्पैक्ट बॉलर की वापसी है, वो है मिचेल मैकलेरन, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आपकी टीम के लिए, और इनके बिना ना जाइए, कल मैच में वापसी करेंगे, क्योंकि इन्हें चोट थी, इंजरी थी, शायद हैंड में इंजरी थी इसलिए ये नहीं खेल रहे थे, कल आएंगे। विलियम सोमवेल ओकलैंड की तरफ से इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इनके तरफ से ना जाए। अब बाकी है चैटबॉडी की तरफ से एड नटेल ने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैंने लिया है इन्हें क्योंकि एक लौते पेसर हैं उनके जो एक इम्पैक्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं, आप इसकी जगह अगर लेना चाहें तो हेनरी शिफले के ले सकते हैं, क्योंकि एड नडल का फिर भी कल लोग ले रहे हैं और इनको 50% लोगों ने अभी भी ले रखा है। बाकी मैं रिमेनिंग प्लेयर्स बताऊं तो आपके पास कुछ प्लेयर आएंगे जैसे कि टिम जॉनसन कल खेल सकते हैं, लेकिन इनका कम्प्लीटली पता नहीं है कल खेलेंगे या नहीं, कोई फिक्स न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने एड नटरल को लिया है। अब बाकी बात करते हैं एक मैथ्यू क्वीन की, ये भी एक कमाल के प्लेयर बनेंगे आपके लिए कल के लिए, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं ओकलैंड की तरफ से, आप इनको भी ले सकते हैं। अब करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के सिलेक्शन की बात। तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में जो आपको लेने चाहिए, जैसे क्रेन फिलिप्स और क्रेड ब्रोस। जेम्स विंस इंग्लैंड के प्लेयर हैं, वो काफ़ी अच्छे हिटर हैं, आप ले सकते हैं। मैं चाहूँगा मेरी पर्सनल में के जेम्सन एक पर्सनल बेस्ट होंगे मेरी, और क्रेड ब्रोस ये दोनों क्योंकि एक अच्छे प्लेयर हैं, आप इन सबको कैप्टन वाइस कैप्टन में रख सकते हैं। तो यही चार पांच प्लेयर को आप कैप्टन वाइस रख सकते हैं, एक मार्क चैपमैन को भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाइए अपनी ड्रीम इलेवन की टीम, आई होप आप इससे एक अच्छा जीतेंगे, खेलते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें मेरे वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, बाय बाय।